दोस्तों, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो देवताओं के नक्शे पा हैं, जबकि बाज़ दूसरों का ख्याल है कि वहाँ परियां रक्स करती हैं। लेकिन चंद ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि वहाँ उड़न तश्तरियाँ आती हैं। लेकिन आज तक कोई भी सहरा नामे पर बनी लाखों दायरा नुमा बेजवी शक्लों की वजाहत नहीं कर सका, और इन्हीं बेजवी शक्लों के राज पर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, जनूब मगरबी अफ्रीका में बहरे ओकियानूस के साहिल पर वाकया नामेब सहरा जमीन के खुश्क तरीन मुकामात में से एक है। मकामी जबान में इसका मतलब वो इलाका है जहाँ कुछ भी नहीं। सयारा मरीख की सतह से मुशाबियत रखने वाले इस खित्ते पर रेत के टेले, ओबड़ खाबड़ संगलाख पहाड़ हैं। ये वसीय अरीस खित्ता 3 ममालिक के 81,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कंकरियों और रेत का फैला हुआ मैदान नजर आता है। 5.5 करोड़ साल कदीम इस सहरा को दुनिया का कदीम तरीन सहरा समझा जाता है। इसके मुकाबले में सहरा सहारा सिर्फ 20 से 70 लाख साल पुराना है। मौसम गर्मा में यहाँ का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, और रातें इतनी सर्द होती हैं कि बर्फ जम जाए। आबादी के लिहाज ये जमीन का एक इंतहाई नाकाबले रसाई इलाकों में से एक है। इसके बावजूद बहुत से कबाइल ने इसे अपना घर बनाया हुआ है। दोस्तों, इस अमल में कुछ अजीब जमीनी शक्लों की तामीर हुई जो मारीने को वर्ता हैरत में डाल देती है। नामेब सहरा जनूबी एंगोला से नमीबिया और फिर वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के शुमाली हिस्से तक फैला हुआ है। नमीबिया में तवील बहरे ओकियानूस के साहिल पर ये ड्रामाई अंदाज में समंदर से मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे मशरिक की तरफ रेत का लामुतनाही समंदर फैला हो जो जनूबी अफ्रीका के अंदर 160 किलोमीटर दूर बड़ी ढलान तक जाता है। दोस्तों, सहरा नामीब के इंतहाई खुश्क हिस्सों में साल में औसतन सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश होती है। कई साल तो ऐसे भी होते हैं जब बिल्कुल बारिश नहीं होती। इसके बावजूद ऑर्कस स्प्रिंगबोक यानी हिरन की 2 इकसाम, चीते, लगड़बगड़, शुतुरमुर्ग और ज़ेब्रों ने यहाँ के सख्त हालात में खुद को ढाल लिया है। शुतुरमुर्ग पानी के ज़िया को कम करने के लिए अपने जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ा लेते हैं। हॉटमैन के इस पहाड़ी ज़ेब्रे बहुत होशियार कोह पैमा है जिन्होंने खुद को सहरा के नाहमवार खितों में रखना सीख लिया है। ओरेक्स बगैर पानी के सिर्फ पौधों की जड़ों और कुन खाकर हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, नामैब का सबसे खतरनाक इलाका रेत के टेलों और टूटे हुए जहाजों के जंग आलूद मलबों से भरा हुआ है। बहरे ओकियानूस के साहिल पर 500 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये इलाका कंकाल बीच या पंजर साहिल के नाम से जाना जाता है। जनूबी एंगोला से वस्ती नामीबिया तक फैला हुआ ये इलाका वेल के बेशुमार पिंजर और तकरीबन 1000 बहरी जहाजों के मलबे से भरा हुआ है जो गुज़श्ता कई सदियों से वहाँ जमा होते रहे हैं। ये पिंजर का साहिल अक्सर गहरी कोहर से ढका हुआ होता है जो बहरे ओकियानूस की सर्द हवाओं और सहराए नमेट की गर्म हवाओं से तश्कील पाता है। दोस्तों, बहरी जहाजों के लिए इस धुंध से गुजरना मुश्किल होता है। मुकामी सान कबाइल का कहना है कि खुदा ने इस इलाके को गुस्से के आलम में बनाया। सन 1486 में अफ्रीका के मगरबी साहिल के साथ चलते हुए पुर्तगाल के मरूफ जहाज रान दियागो काओ कुछ देर पिंजर के साहिल पर ठहरे थे। काओ और वहाँ के लोगों ने वहाँ स्लीप खड़ी की, लेकिन मुश्किल हालात में वो ज्यादा दिन वहाँ नहीं रह सके। जाते जाते उन्होंने इस जगह का नाम जहन्नुम का दरवाजा रख दिया। दोस्तों, सयाह सोसोवेले के आस पास के रेत गहरे भूरे टेलों को देखने आते हैं। नमक और कीचड़ का इलाका अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े कौमी पार्कों में शामिल है जो 50,000 मुरब्बे किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। दोस्तों, रेत के टेले तो नामेब में हर जगह होते हैं, लेकिन इनका रंग सोसवेले के पास गहरा नारंगी हो जाता है। ये रंग दरअसल जंग का है। यहाँ रेत में लोहे की मिकदार बहुत ज्यादा है जो इसे जंग आलूद बना देता है। यहाँ के कुछ रेत के टेले दुनिया में सबसे बुलंद है। कुछ टेलों की ऊंचाई 200 मीटर तक है। सोसवेले के शुमाल में एक टेला तो तकरीबन 400 मीटर ऊंचा है। नामैब की हैरानकुन पहेलियों में एक पहेली जमीन का वो हिस्सा है जिसे परियों के हलके या दायरे कहा जाता है। किसी खास नौ के घास से घिरे दायरा नुमा हलकों या दायरों में कोई पौधा नहीं होता। पूरे सहराए नामैब में इस किस्म के लाखों हलके या दायरे हैं जिन्होंने कई दहाइयों से माहरीन को हैरत में डाल रखा है। दोस्तों, आसमान से इन हलकों को देखें तो ये बहुत खुशनुमा लगते हैं। ये हलके नामैब के लामुतनाही सहरा में हर जगह नजर आते हैं जो बाज़ औक़ात चीचक के धब्बों की तरह नजर आते हैं। ये हलके कंकड़ी के मैदानी इलाकों और रेत के टेलों पर भी पाए जाते हैं। हर जगह इनकी शक्लें गोल है। वस्ती नामैब में हलकों का कुतर 1.5 मीटर से 6 मीटर तक है। शुमाल मगरबी नामीबिया में वो इससे 4 गुना तक बड़े हो सकते हैं। वहाँ के दायरों का कुतर 25 मीटर तक है। बरसों तक ये ख्याल जाहिर किया जाता रहा कि परियों की ये हलके सिर्फ नामीबिया में है, लेकिन सन 2014 में माहौलियाती साइंसदान ब्रैनवीन हेल को मगरबी ऑस्ट्रेलिया के इलाके पेल्ब्रा में इसी तरह के हलके नजर आए। इन फनी नमूनों से हैरत ज़दा होकर बेल ने जर्मनी के माहौलियाती साइंसदान स्टीफन गिट्सन ने राब्ता किया और अपनी दरियाफ्त के बारे में बताया। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले हलके तो नामीबिया के हलकों जैसे ही है, लेकिन दोनों मुकामात पर मिट्टी का ढांचा मुख्तलिफ है। इस बात ने साइंसदानों को मजीद हैरान कर दिया। दोस्तों, परियों के हलकों की पहेली को सुलझाने में माहिरीन अब तक हैरान और परेशान है, लेकिन
लेकिन नामीबिया के मुकामी लोगों को इन शक्लों के बारे में बहुत पहले से पता था। मुकामी हमीबिया के लोगों का मानना है कि वो रूहों के जरिए बनाया गया है और वो इनके देवता मकोरों के नक्शे पा हैं। इन नमूनों के इसरार को हल करने के लिए रियासी के चंद माहिरीन ने मॉडल्स बनाकर ये समझने की कोशिश की कि आया ये हल्के किसी खास पैटर्न में बनते हैं। दोस्तों, आज तक इन हल्कों की वजाहत का कोई अमूमी नजरिया सामने नहीं आया जो सबको काबिले कबूल हो। हालिया वर्षों में नामीबिया, जर्मनी, अमेरिका और दीगर ममालिक के साइंसदानों ने एक साथ मिलकर इन पर काम शुरू किया। दोस्तों, रेगिस्तान के वस्त में कायम गोबाबेब नामेब रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान योजेन मारेस का कहना है कि नामेब में पानी की शदीद किल्लत से दो बड़े असूल सामने आए हैं। कुछ तहकीक बताती हैं कि ये हल्के दीमक की वजह से बनते हैं जो जमीन से पानी और गजाएं इज्जा तलाश करते रहते हैं। पौधे की जड़ें खा कर वो जमीन के नीचे खाली जगह पैदा करते हैं जिससे बारिश के पानी का जमीन के अंदर पहुँचना आसान हो जाता है। इस नजरिए के मुताबिक दीमक जेर जमीन जराए से पानी पी कर साल भर जिंदा रहती है। दूसरा नजरिया ये है कि नबातात खुद इसका इंतजाम करते हैं। घास के पौधों को भी पानी और गजाई इजरा की जरूरत होती है। इसकी जड़ें एक दूसरे से इसका मुकाबला करती हैं। बंजर दायरा नुमा इलाका एक हौस की तरह काम करता है जहां से वो पानी और गजाई इजा हासिल करते हैं। दोस्तों, आखिर में आपको बताते चले कि बरसों की खुश्क साली के बाद घास सूख जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। मारेस ने एक और पहेली की वजाहत की, यानी जब भी बारिश होती है अचानक ये हल्के जादू की तरह नमूदार हो जाते हैं। मारेस के मुताबिक नामेद के इन परियों के दायरों पर की गई तहकीक बुनियादी तौर पर कंकरियों के मैदानी इलाकों या रेत के चेलों पर पाए जाने वाले हल्कों पर मरकूज रही। इन शक्लों को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इनके ख्याल में मुहक्किकीन को बयक वक्त दोनों मुकामात पर तवज्जो देने की जरूरत है। मारेस का ख्याल है कि इन हल्कों के बनने का सबब एक नहीं बल्कि कई असबाब के यकजा होने से ये वजूद में आते हैं, लेकिन वो क्या असबाब है ये बात अब तक सिगर रास में है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।